रामगढ़ के मरार में स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य गेट के समीप धरना प्रदर्शन किया, जहां मजदूरों ने लगातार नारेबाजी की। बता दें कि मजदूरों के गेट जाम करने के कारण कंपनी का कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ गया। वहीं मजदूरों ने आरोप लगाया है कि सेल के अधिकारी प्रतिष्ठान की जमीन को निजी फैक्ट्री को देने की साजिश रच रहे हैं, जिसका विरोध मजदूर कर रहे हैं। बता दें कि लगभग 600 मजदूर अपनी मांगों को लेकर इस आंदोलन में शामिल हैं और लगातार मुख्य गेट के सामने डटे हुए हैं। कि 5 तारीख को सांसद महोदय जयंत सिन्हा जी और मैनेजमेंट को बुलाए और बुधिया जी को बुलाए, और मैनेजमेंट में ईडी साहब भी आए थे बोकारो से, और उसी में इन लोग का मीटिंग हुआ, जो कि सेल का जमीन को 2 दिन के बाद बुधिया जी तोड़ दिए, जाके ये देख सकते हैं अथि दीवाल यही रास्ता में है। उसके बाद हम लोग मजदूर जो है प्रतिष्ठान का जमीन जो ले रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोग उसको बचाने के लिए सब मजदूर एक हुए हैं। और कुछ मजदूर का भी समस्या था, 26 दिन काम के लिए लोग को नहीं मिलता था, सही वेतन नहीं मिल रहा है, इसी के लिए हम लोग जुटान हुए। अभी मैनेजमेंट से हम लोग का बात हुआ, मैनेजमेंट बोला कि कोई नहीं घूमेगा, ये 20 फरवरी तक उसके 26 हाजिरी मिलेगा, और बाउंड्री का काम जो है मैनेजमेंट जिम्मा ले लिया है, वहाँ बाउंड्री का काम हो रहा है, इसी के लिए हम लोग लड़ाई को अभी फिलहाल। न्यूज़ विंग के लिए रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।